हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। आज मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताऊंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताऊंगी। यह एक आईटीआई का सब्जेक्ट है, पर एम्प्लॉयबिलिटी का जो आज मैं आपको जो डिफाइन करूंगी वो ये है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और किस में कितने नंबर से आते हैं। एक साथ हम कहते हैं, मैं सिलेबस बताऊंगी और बताऊंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमें यूज क्या है, हमारी लाइफ में यूज क्या है उसका उसका, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे इसकी हिंदी क्या होगी, रोजगार कौशल। अब रोजगार तो हमें पता है, जो हम कहीं जाके काम करते हैं वो हमारे लिए रोजगार हो जाए, वो किसी बिजनेस हो, कोई छोटा मोटा कार्य या किसी कंपनी में काम करना, वो हमारा रोजगार होता है। और कौशल का मीनिंग ये होती है कि किसी काम को करना आना हमें, वो हमारा कौशल होता है, ठीक है। अब इम्प्लॉयबिलिटी में देखिए, अब दो शब्द निकल रहा है, इम्प्लॉय प्लस एबिलिटी। आपको पता है एबिलिटी में क्या होता है, योग्यता, और एम्प्लॉयमेंट वर्कर हो गया, कर्मचारी हो गया हमारा, है ना, कर्मचारी हो गया। तब समझ में आ गई कि इसकी मीनिंग क्या हुई, कर्मचारी की योग्यता। मीन्स हमारा कहने का ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो हमें ये बताता है कि एक एम्प्लॉय के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या जानकारी उसे होनी चाहिए, ठीक है। तो रोजगार से ये हमारे बिजनेस में भी काम आएगा। अगर हम आईटीआई करने के बाद कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो सब हम इसके अंदर तक पढ़ते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि ये हमारा आईटीआई में कितने नंबर का आएगा, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर से होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होगा। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें कुल कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला आता है वो आता है इंग्लिश लिटरेसी। अब इंग्लिश का मतलब तो आपको पता ही है, लिटरेसी मतलब है साक्षरता। इससे लगभग हमें दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे एग्जाम्स में। तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन प्लस इसके अंदर हमें हमारा जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, ग्रामर हो गया हमारा, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, मतलब हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश का थोड़ा मतलब ज्ञान हमें होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, मान लीजिए हम किसी वर्क में काम करने जा रहे हैं और हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है। आजकल हम ऐसे जनरेशन में पढ़ रहे हैं कि हमें हर जगह कहीं भी जाएंगे तो नोटिस कुछ होती है इंग्लिश में दी होती है, हिंदी में दी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें होना ही चाहिए। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है इंग्लिश लिटरेसी। इसमें कम से कम हमें मतलब हमारा जो पेपर होगा उसमें दो तीन नंबर हमको इसमें से देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें प्रोनाउंसिएशन होगा, ग्रामर होगा, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें, अब राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ये तो हमें नॉर्मली आना चाहिए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा ग्रामर पे बनेगा, प्रोनाउंसिएशन बनेगा, मान लीजिए कोई स्पेलिंग इरर होगी, स्पेलिंग सही करेक्ट करने के लिए देगा, ग्रामर से कुछ होगा कि इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा टेंस सही आएगा, तो उसी से रिलेटेड चीजें होंगी हमारा, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं हमारा दूसरा की, जो दूसरा हमारा होगा आईटी
लिटरेसी। तो मैं बात कर रही थी आईटी लिटरेसी की, ठीक है। अब आईटी का फुल फॉर्म हम करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो क्लियर हो रहा है, आईटी लिटरेसी जो होती है हमारे कंप्यूटर के नॉलेज से होता है, ठीक है। आज का जो हम टेक्निकल युग में चल रहे हैं तो आजकल हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें कंप्यूटरली काम करना पड़ता है। अगर हम फोन भी चला रहे हैं तो उसमें भी कई चीजें हमें कंप्यूटर रिलेटेड होती हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में, जो हमारा दो टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से देखने मिलेंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है हमें वो इसी में से आएंगे हमारे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके हम पढ़ेंगे आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या होती है, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे हम, जो मतलब पूरा कंप्यूटर के नॉलेज हमें बेसिकली होना चाहिए वो चीजें होंगे। इससे क्वेश्चन बनेगा हमारा कि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फुल फॉर्म क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, तो जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखेंगे। सबसे ज्यादा मेन टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये मैंने अभी आपकी नेक्स्ट क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन ये है कि हम कहीं भी काम करने जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन स्किल पे ही ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर हम इंटरव्यू में गए तो हमारे अंदर कितनी घबराहट है, कितना हिचकिचाहट है, हम कैसे बात कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल पे, जिसपे हमें कई चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा इंटरव्यू के लिए हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा कि इंटरव्यू देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसके अंदर आएगा। लीडरशिप की हिंदी होती है नेतृत्व। नेतृत्व करना मतलब अगर हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो जाहिर सी बात नहीं है कि हम हमेशा वर्कर ही रहेंगे, वर्कर भी है तो उसमें भी कोई मेन होता है, तो हम कैसे गाइड करेंगे कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीजें सही है, अपना अपना मत देना हर चीज, तो उसमें एक लीडर होता है, तो वो लीडरशिप आता है। इसमें पढ़ना है हमें, प्लस इसमें हमें पढ़ना है कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, इसके बेनिफिट हमें क्या है, मतलब कि लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके नुकसान क्या है। अगर हमें नहीं आता है तो हम कहीं जाएंगे तो हमारा इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आईटीआई करने के बाद कर लोगे तो आप जाहिर सी बात है कहीं कंपनी में अप्लाई करोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, या फिर कुछ ऐसे ट्रेड्स भी हैं जिससे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अकेले तो कर नहीं सकते, उसके लिए आपको मतलब अपने अंदर कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए एक अच्छा लीडरशिप आपको आता रहेगा कि हम लीडर कैसे बन सकते हैं, कैसे हमको लीडरशिप करनी है, नेतृत्व कैसे हम सबका कर पाएंगे, तभी आप एक अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें इस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके भी लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन में 25 नंबर का जो 25 क्वेश्चन जो हमारे प्रायोरिटी स्किल में आएंगे उसमें ये भी चीजें हैं। या हम मैं तो कहूंगी कि आप इसको एक बुक के में चैप्टर के वाइज ना पढ़ के ये जो चीजें ये हमारी जो लाइफ है पर्सनल लाइफ उस पर भी बहुत जगह काम आएंगी। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी करेंगे, अजाहिर सी बात है कि आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ करोगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे तो उसके लिए ये सब अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम कहीं भी अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इस सब चीजों पे भी इसके अंदर हमें इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज आती है कि क्वेश्चनिंग, कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए हमें, कब हमें क्वेश्चन करना, कैसे नहीं क्वेश्चन करना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन करने के भी कई तरीके होते हैं। अगला इंसान हमें क्वेश्चन किया तो हम जवाब कैसे देंगे उसको, कोई बात हमें कोई समझा रहा तो उसे हम ध्यान से सुनने की जो स्किल्स होती है हमारी, वो सब हमारी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आती है, ठीक है। तो चौथा चैप्टर क्या है इसमें, इंटरप्रेनरशिप। इसकी हिंदी होगी उद्यमिता।
जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उद्यम बिजनेसमैन कहलाता है, और जो काम उसके द्वारा किया जाता है वो उद्यमिता होती है हमारी। जैसे कोई भी बिजनेस कंपनी में हम जाते हैं कंपनी में, तो उद्यमिता उसी से रिलेटेड चैप्टर है ये, कि हम अगर जाहिर सी बात है कि सब लोग नौकरी तो करेंगे नहीं, कुछ लोग को बिजनेस भी स्टार्ट करना, बहुत से ऐसे मतलब हमारा जो ट्रेड है आईटीआई रिलेटेड उसमें हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो जो बिजनेस सिखाया जाएगा उसी के अंदर हमको बताएगा बिजनेस करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, मतलब कि रूल्स क्या, यहाँ रिलेटेड रिलेशन ये है कि कैसे आप किसी को अपने कामों के बारे में बताएंगे, कैसे आप मतलब कि कोई काम करना है। इसमें कुछ एनालिसिस है जो हम पढ़ेंगे SWOT के बारे में, स्पॉट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमें किस चीज में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज की डिमांड ज्यादा चल रही है, और क्या चीज हम करेंगे तो ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, वो सब हमारी आती है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के अंदर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए और हमारा वो सक्सेस ही होगा, उसके भी कुछ रूल्स है, कुछ चीजें डिमांड में ज्यादा है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें पहले लोग ज्यादा यूज करते थे, कुछ चीजें आज ज्यादा है, आजकल जैसे टेक्निकल जमाना, पहले टेक्निकल जमाना नहीं था। तो वही सब चीजें हैं कि क्या चीज हमें कैसे करना चाहिए उसके बारे में कुछ हमें यहाँ नॉलेज मिलती है, तो हमारे इस चैप्टर में वो पढ़ाया जाएगा। इसमें भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम तो हमारा अगला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, ये सब चैप्टर जो है हमारा वो बिजनेस रिलेटेड है। इसमें हमें ये उत्पादकता का रिलेशन इस चीज से है कि जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें हमें कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना मतलब हमारा वेस्ट हो जा रहा है सामान। कोई चीज हम बहुत परफेक्ट बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ वेस्ट हो रहा है, तो कम से कम कैसे वेस्ट हो और कैसे हम जानकारी रखें कितनी चीज की हमें जरूरत थी, कितना हम वेस्ट कर दिए, कितना हमें क्या चीज चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उन सब चीजों के लिए है प्रोडक्टिविटी। इस सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें है कि प्रोडक्टिविटी के मतलब यही चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसका लाभ हमें कितना मिल रहा है, कितना हानि मिल रहा है, कैसे हम निकालेंगे, कौन से प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टिविटी कितनी है, उत्पादकता जो हमारी हो रही है उससे हमें कितना प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं, लॉस ही हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी हम सिर्फ अपने अच्छाइयों पे देखते हैं कि हमारे इतना सामान जो अच्छा आ रहा है, लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी बताता है कि हम कितने चीजें नुकसान भी कर रहे हैं उस पर भी हम कैलकुलेशन रख सकें, तो वो हमारी इसमें जानकारी मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वालिटी टूल्स, क्वालिटी टूल्स गुणवत्ता। गुणवत्ता साधन गुणवत्ता के साधन, इसका रिलेशन क्या है कि मतलब हम जैसे मैंने बताया इसमें प्रोडक्ट का, तो इसमें है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना सकते हैं कम खर्चों में, तो उसी पे कुछ रूल्स इसमें भी हैं। इन सब चीजों में वही है कि आपको बस वो जाना, इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो क्वालिटी टूल्स भी हो गए, ये हमारे 6 चैप्टर हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अपने, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ऑक्यूपेशन भी हमारा होता है व्यवसाय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। अब मीनिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है।
इसमें हम पढ़ेंगे अपने व्यवसाय से रिलेटेड सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे सुरक्षा, जैसे कि अगर हम किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि उसमें हमें क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या हमें यूज नहीं करना है। तो सुरक्षा हमारी तीन टाइप्स की होती है, मशीन की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और जो आग वाग से सुरक्षा होती है, उन सब चीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें अगर हम किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए और जहां फर्श तैली हो उसको साफ करना चाहिए, मशीन की धूल साफ करनी चाहिए, जहां हमारा मन ना हो तब नहीं करना चाहिए। और व्यवसाय से सुरक्षा, स्वास्थ्य अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें उससे क्या क्या हाजिर होंगे, जैसे मैकेनिकल हो गए, यांत्रिक जो हमारी दुर्घटनाएं होती है, केमिकल प्रॉब्लम्स, करंट से क्या क्या नुकसान है, उन सब की जानकारी हमें होना चाहिए। प्रदूषण से पर्यावरण में हम प्रदूषण पढ़ेंगे कि जो पर्यावरण में हमें प्रदूषण होते हैं कैसे होते हैं, कितना हमें रोकना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उन सब की पूरी जानकारी इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी बनेंगे, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है सुरक्षा। ये जो सेफ्टी वाला चैप्टर है ये हमें ना आप थ्योरी में भी मिलेगा, इससे 2-4 क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो थ्योरी में भी हमसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्प्लायबिलिटी स्किल में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी का भी हमारा पहला चैप्टर यही होता है कि हम पहले जानकारी रख लें कि हम मशीन पर काम करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या उसकी लिए सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी चिन्ह क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रही हूँ। और मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि पूरे जो बुक है हमारा उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किससे किससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। लेबर वेलफेयर रेगुलेशन, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, श्रमिक कल्याण अधिनियम। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, श्रमिक कल्याण अधिनियम। इससे भी हमें 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर जो भी कहीं भी वर्कर के तौर पे हम काम करते हैं तो उसके लिए क्या क्या नियम है, कि हम किस तरह से कितने घंटे हमें काम करने हैं, कितने घंटे छुट्टियां मिलती हैं, किस वजह से वेतन कटेंगे, कितने घंटे वो काम ले सकते हैं, लेडीजों के लिए मतलब लड़की के लिए जो अलग रूल्स है, लड़कों के लिए जो अलग है, जो सेम है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि हमें कितना क्या कैसे क्या क्या हम क्या क्या अधिकार है हमारे, क्या मतलब ऐसा होता ना कुछ जगह नहीं हम इतने ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ नियम बनाए गए हमारे लिए कि आप इतने 8 घंटे काम आपसे लिया जा सकता है और 9 घंटे काम लिया जा सकता है, लड़कियों से आधे 8 घंटे ही काम लेंगे, वो इस टाइम तक काम लेंगे, ये सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए, तो उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरी चीजें। तो मैंने आपका एक साथ सिलेबस कम्प्लीट किया है कि आपका ये सिलेबस है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये चीजें पढ़नी है। और रोजगार कौशल में मैंने बता ही दिया क्या चीजें हैं, इतनी चीजें हमें आनी भी चाहिए, नॉलेज हमारा होना चाहिए कि हम कहीं भी काम करने जाएंगे तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं। और आप इसको एक एग्जाम के तौर पे मत देखिए कि नहीं हमें 25 नंबर का हमें पढ़ना है तो हम उसी हिसाब से उतनी चीज तैयारी कर लें। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये आपकी जिंदगी में हमेशा काम आने वाला है और हर जगह काम आने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।